हाय एवरीवन, मैं उस्तीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज हम आपके लिए डेमो करने वाले हैं सैमसंग की 8 किलो की 2024 की इको बबल डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली फ्रंट लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की। तो सैमसंग ने इसके अंदर क्या क्या आपको नए फीचर्स दिए हैं, हर एक चीज की हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसका जो परचेज लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप इस वॉशिंग मशीन को बड़ी आसानी से परचेज कर सकते हैं। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट लुक के साथ। फर्स्ट लुक के बाद एक नजर डालते हैं इसके डिजाइन पे। डिजाइन की अगर हम बात करें तो पूरी मशीन सामने से ब्लैक कलर के साथ आती है, जिसका जो मेन पैनल है वो सारा मेटल का है और जो कंट्रोल पैनल है वो पूरा प्लास्टिक का दिया गया है, जहाँ पे आपको सारे के सारे जो इसके अंदर फीचर्स मिलने वाले हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको इसका टाइमर वगैरह शो होगा और ये है ऑन ऑफ का बटन, यह है प्ले पॉज का, यह है फीचर्स यूज करने का यूज बटन, और यहाँ से आप इसके अलग अलग वॉश प्रोग्राम्स को यूज़ कर सकते हैं। जो साइडों में आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे लाइट आती है। और ये है इसका डिटर्जेंट बॉक्स, जहाँ पे इसके फीचर्स मेंशन किए गए हैं। 8 kg इसकी कैपेसिटी है और ये है कुछ इस तरह का स्पेस, जिसके अंदर आपको अलग अलग तरह की वॉशिंग मिल जाती है, जैसे प्री वॉश और नॉर्मल वॉश, जिसके हम आगे डिटेल में बात करेंगे। स्टार रेटिंग की बात करें तो इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको 5-star एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग मिलती है, जहाँ पे जो एनर्जी कंजप्शन है वो है 0.05 किलोवाट पर केजी पर साइकिल। मॉडल नंबर है इसका WW80TA046AB2024, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। कैपेसिटी है 8 किलो। वाटर कंजप्शन है इसकी 9 लीटर पर केजी पर साइकिल। और अंदर की तरफ से ढक्कन है इसका, वो आप बिल्कुल सीधे से तरीके से ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी सॉकर वाला सिस्टम नहीं है, ये है इसका लॉक। और यहाँ पे आपको मिल जाता है बोरोसिल का ये ढक्कन। उसके बाद अंदर यहाँ पे आपको जो इसकी रबड़ मिलने वाली है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दी गई है। अंदर का जो मेन टैंक है वो पूरा स्टेनलेस स्टील टैंक के साथ आता है, जिसके अंदर आपको डायमंड ड्रम मिल जाता है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। बैक साइड से भी पूरा स्टेनलेस स्टील है, तो कुछ तरह इस तरह का इसके अंदर आपको डिज़ाइन मिलता है। और बैक साइड से भी ये पूरा मेटल है, बैक साइड से भी पूरा ये मेटल के साथ आती है, जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है बैक इसकी। और यहाँ पे आपको इसका मिल जाता है ड्रेन पाइप और ऊपर की तरफ इसका लगेगा मेन इनलेट पाइप। तो कुछ इस तरह का सैमसंग ने इस वॉशिंग मशीन के अंदर अपना डिज़ाइन दिया है। डिज़ाइन के बाद अब हम बात करते हैं इसके अंदर मिलने वाले सारे फीचर्स की। फीचर्स की अगर हम बात करें तो इस वॉशिंग मशीन का जो सबसे मेन हाईलाइटेड फीचर है वो है इको बबल टेक्नोलॉजी। इस वॉशिंग मशीन के अंदर इको बबल का बेनिफिट ये होता है कि नीचे की तरफ आपको यहाँ पे एक बबल जनरेटर लगा हुआ है। जब मशीन ऑन होती है तो नॉर्मली मशीन के अंदर ये ड्रम घूमता है और उससे बबल जनरेट होते हैं, बट इस वॉशिंग मशीन के अंदर बिना कपड़ों को घुमाए यहाँ पे एक बबल जनरेटर दिया गया है नीचे की तरफ, जिससे बबल जनरेट होते हैं और आपके कपड़ों को ज़्यादा घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती और कपड़े आपके जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे। इससे आपकी 45% तक की फैब्रिक केयर भी हो जाती है। नेक्स्ट फीचर है इसके अंदर आपको मिलता है डिजिटल इन्वर्टर मोटर, जो इसकी मोटर है वो ब्रशलेस डीसी मोटर है, जिसकी लाइफ जो है सबसे ज़्यादा है, इसीलिए सैमसंग इसके ऊपर आपको 20 ईयर की मोटर की वारंटी दे रहा है, साथ में आपको 2 साल की कंप्लीट वारंटी भी दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आपको मिल जाता है इसका यहाँ पे वॉश प्रोग्राम्स, जिसको कि काफ़ी सारे हैं, एक एक करके हम बात करते हैं। और सबसे पहले इसके अंदर आपको मिलता है 15 मिनट का क्विक वॉश, जिसके अंदर आपके पास अगर 2-3 किलो लोड है तो आप इसके अंदर मिनिमम 15 मिनट का टाइम भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर मिलता है आपको डेली वॉश, जिसके अंदर लगभग 1 घंटा लगता है और आपके जो डेली वेज के कपड़े हैं वो आप यहाँ पे वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर डेलिकेट्स का, जहाँ पे आप हल्के फुल्के कपड़े जो आपके होते हैं आप उनको वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर वुलन, जो आपके ऊन वाले कपड़े हैं उनको आप यहाँ से वॉश कर सकते हो। उसके बाद है सुपर इको वॉश, जहाँ पे आपके मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के साथ आप कपड़ों को साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है कलर्स के लिए ऑप्शन, जहाँ पे आप जो गूढ़े कलर के कलर वाले कपड़े होते हैं उनको आप यहाँ पे वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर बेडिंग का ऑप्शन, जहाँ पे आप अपनी चादरें वगैरह जो भारी कपड़े हैं उनको वो साफ़ कर सकते हैं।
उसके बाद कॉटन का ऑप्शन है जहाँ पे आपके नॉर्मल कॉटन है आप यहाँ पे साफ कर सकते हो, और ई कॉटन जो ज़्यादा ही मुलायम कॉटन है वो यहाँ पे साफ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर सिंथेटिक का, जहाँ पे आप जींस वगैरह को अगर साफ़ करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलता है हाइजीनिक स्टीम का, जहाँ पे आप अपने कपड़ों से बैक्टीरियाज निकाल सकते हो 99.9% इसके अंदर कपड़ों पे स्टीम लगती है रिंसिंग के बाद, जिससे आपके बैक्टीरियाज निकल जाते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर रिंस और स्पिन, अगर आपको कपड़े वॉश नहीं करने तो आप सिर्फ रिंस और स्पिन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर ड्रेन या फिर स्पिन, जिसके अंदर आप कपड़ों को सिर्फ सुखा सकते हैं, स्पिन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है इसके अंदर ड्रम क्लीन का, जहाँ पे आप कपड़ों को मशीन के अंदर जो ये ड्रम दिया गया है इसको आसानी से इस ऑप्शन से साफ कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे मैन्युअली भी आप सारी चीज़ों को सेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे इस बटन से आप इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हो कि 90 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक कहीं भी सेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर वाटर लेवल का, उसके बाद है इसका स्पिनर के लिए RPM, जो आप बिल्कुल ऑफ से लेकर 1400 RPM इसके अंदर मैक्सिमम मिल जाते हैं। उसके बाद ये है प्रोग्राम्स, जिसके अंदर आप नॉर्मल और प्री वॉश भी ऐड कर सकते हो। नॉर्मल आपका क्या होता है, एक सर्फ आपको सर्फ डालना पड़ता है, और नॉर्मल अगर आपके मैले कपड़े हैं तो सिर्फ एक ही साइड का सर्फ लेती है, बट अगर आप इसके अंदर प्री वॉश भी ऐड कर देते हो तो फिर ये इस साइड का सर्फ भी यूज़ करती है अगर ज़्यादा ही मैले कपड़े हैं तो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, चाइल्ड लॉक का। अगर इन दोनों बटनों को आप 3 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं तो ये पूरा पैनल लॉक हो जाएगा और काम नहीं करेगा। उसके बाद इसकी ट्यून को, साउंड को ऑफ करना तो यहाँ से, और इसके अंदर आपको स्मार्ट चेक का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर इन दोनों बटनों को 3 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं तो मशीन के अंदर कोई भी एरर है तो वो यहाँ पे एरर कोड दिखाएगा, और सैमसंग स्मार्ट वॉशर एक एप्लीकेशन आती है उसको डाउनलोड करके उस एप्लीकेशन से आप इस एरर कोड को स्कैन कीजिए और उसी से आप इसके अंदर वॉशिंग मशीन के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो आप यहीं पर देख सकते हैं और उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। उसके बाद ये है इसका ऑन ऑफ और प्ले पॉज। यूज़ कैसे करना है मशीन को, बिल्कुल आसान है। जस्ट आपने पहले मशीन को ऑन करना है, उसके बाद कपड़ों को यहाँ पे ऐड करना है, उसके बाद यहाँ पे आपने डिटर्जेंट रख देना है, अगर नॉर्मल कपड़े हो तो एक तरफ, ज़्यादा ही मैले कपड़े हो दूसरी तरफ, और यहाँ पे आपने सॉफ्टनर वगैरह अगर कुछ डालना है, ब्लीच वगैरह, तो यहाँ पे डाल देना। उसके बाद आपने वॉश प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है, किस टाइप के आपके कपड़े हैं, और उसके बाद आपने स्टार्ट दबा देना है। तो ये वॉशिंग मशीन अपनी कंप्लीट वर्किंग के बाद अपने आप अपना काम करके स्टॉप हो जाएगी। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका ड्रेन का, अगर कपड़ों के अंदर कुछ मटेरियल है गंदा मंदा, कोई मैल वगैरह, तो आप यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, इसको ओपन करके आप यहीं से मशीन को पूरा साफ कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन वगैरह इसकी फ्री है, वो कंपनी वाले लड़के अपने आप ही इसको आपके घर पे इंस्टॉल करके जाएंगे कम्प्लीटली। तो कैसे लगी आपको ये सैमसंग की 8 किलो की इको बबल टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली फ्रंट लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, कमेंट्स में जरूर बताएं। परचेज लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो जल्दी से इसी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नए प्रोडक्ट के नए डामों के साथ। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके, टाटा बाय।